हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन दोस्तों के लिए जो अपनी लाइफ में डिमोटिवेट रहते हैं और स्वयं के बारे में खुद ही मतलब सेल्फ का नेगेटिविटी उनके दिमाग में रहती है। तो दोस्तों, आज मेरी लाइफ का और मेरे आज तक के जीवन काल का मेरा ये फर्स्ट इवेंट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं शुरू करूंगा मतलब एक छोटी सी कहानी सुनाकर। तो दोस्तों, वो कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं मेरी लाइफ में कितनी परेशानियां आई और उन परेशानियों से मैं किस तरीके से जंग जीत कर आज मैं मेरी लाइफ में किस तरह से खुश हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सुनाते हैं आपको एक कहानी। तो दोस्तों, मैं उस टाइम मेरी फड़ाई में व्यस्त था। फड़ाई की लाइफ जो एक होती है, एक स्टूडेंट की लाइफ होती है, वो बहुत ही मुश्किल भरी होती है। हर पल हर टाइम वो उस लाइफ में डिमोटिवेट रहता है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला मेरे दोस्त। लाइफ खुद के सीने को ठोक कर बोल दे मैं मेरी लाइफ में खुश हूं। तो दोस्त, कहानी है मेरी स्वयं के बारे में और मैं किस तरीके से मेरी लाइफ में डिमोटिवेट रहकर मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखकर किस तरीके से मैंने मेरी जो लाइफ में मेरे दिमाग में जो कचरा था उस कचरे को किस तरीके से मैंने बाहर निकाला और किस तरीके से आज मैं बहुत ही हैप्पी हूं, मेरा परिवार सुखी है भगवान की कृपा से। तो दोस्त, कहानी कुछ उस टाइम की है जब मेरी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट कर ली थी। कंप्लीट करने के बाद मैं उस टाइम जो मेरा लोकेशन था जयपुर, वहाँ पे मैं अपनी स्टडी के साथ साथ जो मेरे से मतलब जो जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से मतलब 8-10 किलोमीटर एक कॉलेज था, उस कॉलेज में मैं पढ़ाता था। अब पढ़ाता क्यों था क्योंकि मेरी स्वयं की या मेरा जो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो बहुत ही थोड़ा मतलब कमजोर था। तो उसको मजबूत बनाने के लिए उससे जो मेरा परिवार या मेरा जो बैकग्राउंड था वो मतलब कुछ कमजोर था, उसको मैं आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। और वो उस मेहनत करते करते मैं जैसे 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 सिटी दर सिटी आगे चल रहा था, उसी के बीच मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी घटना घटती है। अब वो घटना क्या घटती है, क्यों घटती है, मैं मेरी लाइफ में डिमोटिवेट क्यों था, वो इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उन जो मतलब मेरी लाइफ में कितनी परेशानियां आई और उन परेशानियों को मैं किस तरीके से संघर्ष करते हुए किस तरीके से आगे बढ़ा। तो दोस्त, कभी भी अपनी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं रहना है। अब सबके दिमाग में आ रहा है, आपने तो कितनी आसानी से बोल दिया कि डिमोटिवेट नहीं रहना है। अब डिमोटिव रहे क्यों नहीं, पढ़ाई की टेंशन, नौकरी की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, घर वालों की टेंशन, रिश्तेदारों की टेंशन, यार दोस्तों की टेंशन। तो दोस्त, खुद अपनी लाइफ में इस तरीके से रहना कि खुद मैं हूं या मेरा कोई दोस्त है, अगर वो मुसीबत में है तो मेरे दोस्त उसको एक छोटा सा शब्द सुना देना या सुन लेना। खुद अपनी लाइफ के हीरो बन जाओगे या अपने कारण कोई हीरो बन जाएगा। क्योंकि दोस्त, एक जो लाइफ होती है उस लाइफ में सिर्फ एक परेशानी आती है, सिर्फ एक परेशानी। एक परेशानी का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में सब बोलते हैं भाई लाइफ में यार हजार टेंशन है, हजार परेशानियां है आती है, लेकिन उन परेशानियों का उस टाइम, किस टाइम, जिस टाइम आप उस परेशानी में हो
उस टाइम आपके पास उस परेशानी का कोई हल नहीं रहता है और आप सिर्फ उस एक परेशानी को, भाई ये तो है नहीं यार, भाई खुद की लाइफ में एक ही टाइम में हजार परेशानियां आ गई, अब मैं फ्री हो गया, ये कभी नहीं होता, क्योंकि एक परेशानी आती है और वो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो दोस्त उस टाइम या तो अपने पास यह मुश्किल है या अपने दोस्त के पास, रिलेटिव के पास, रिश्तेदार के पास, किसी भाई बहन के पास या अपना एक्स वाई जेड कुछ को या कोई भी जानकार है उसको अपनी लाइफ में सिर्फ एक शब्द सुना देना या सुन लेना। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूं आप लाइफ नहीं अपनी लाइफ के हीरो बन जाओगे। और वो शब्द एक छोटा सा है, एक छोटा सा शब्द है। अगर अपन किसी परेशानी में है तो एक छोटा सा शब्द अपने दोस्त से सुन लेना या सुना देना, और वो शब्द है तू टेंशन ना ले मैं हूं। सेम यही कहानी मेरे साथ घटित हुई थी, जो कि आपको उस कहानी का पूरा विराल रूप मिलेगा मेरे इसी चैनल पर अगले वीडियो में। अब आप कहोगे ये शब्द अगर मैं सुन लूंगा या किसी को सुना दूंगा तो उससे अपने को क्या होगा? दोस्त लाइफ में एक परेशानी अगर मेरे पास है और उसका हल मुझे नहीं मिल रहा ना, तो जो आप तो वो परेशानी आप अपने रिश्तेदार को, दोस्तों को, भाई को, बहन को, पापा को, मम्मी पापा को, जितना हो सके उस परेशानी को उतना जितना शेयर कर दो। परेशानी एक आपके पास अपनी लाइफ में है और उस परेशानी को आपने शेयर कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं, उस एक परेशानी के आपके पास कम से कम 1000 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब उन 1000 में से एक काम नहीं करेगा, दो काम नहीं करेंगे, बट मेरे दोस्त एक फॉर्मूला या एक उसका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा जो उस परेशानी से आपको बिल्कुल आजाद कर देगा। दोस्तों स्टूडेंट जो लाइफ होती है वो एक कठिन होती है, परेशानियों से भरी होती है, चारों तरफ से प्रेशर होता है, हर मतलब अपने एक छोटी सी बात करें तो मतलब चारों तरफ से परेशानी ही परेशानी रहती है। तो दोस्तों अपनी लाइफ में किसी का हीरो जरूर बनना, किसी की मुसीबत मत बनना, मत किसी का हीरो बनकर उसकी लाइफ संवारना। अगर आपको कोई लाइफ में मुसीबत में याद कर रहा है तो दोस्त उसके लिए आप जो कहते हैं ना भाई रात को भी तैयार रहना। अगर कहीं पे जाओ तो मुसीबत में सबसे पहले पहुंचना। अगर उसके पास खुशी है ना तो आप लेट हो जाना, बट परेशानी में सबसे पहले पहुंचना। तो दोस्तों मैं सीधी सी बात अगर करूं तो, और जो विश्वास ना खुद के ऊपर रखना, मतलब बातें एक ही प्रकार की सबको बताना, सबसे पूछना, लेकिन विश्वास सबको सबके ऊपर मत जताना। परेशानी अगर है तो आप फैला देना उसको, एक इतनी उसको इतनी मतलब वायरल कर देना, इतनी वायरल कर देना कि उसके सॉल्यूशन आपके पास 1000 आ जाए। लेकिन दोस्त कभी भी उस परेशानी को छुपा कर मत रखना। तो दोस्तों मिलेंगे कुछ इसी प्रकार की जानकारी लेके अगले वीडियो में। जो मैंने मेरी लाइफ में परेशानी आई, मेरा बैकग्राउंड के बारे में परेशानी आई, तो उसको लेकर इसी चैनल पर अगला जो पूरी कहानी है। तो दोस्तों आज हो सकता है भाई ये मेरा फर्स्ट इवेंट था, इसमें आपको कुछ क्लियर बातें साफ नहीं हुई होगी, लेकिन जो अगला पार्ट लेके आऊंगा सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर है। और मेरी लाइफ में लगभग जो आप कहते हो ना भाई 1000 परेशानियां है, उन 1000 परेशानियों का, हर परेशानी का
छोटे से मतलब जब आप 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं ना, वहां से परेशानियां किस तरीके की शुरू होती है, वहां से लेकर जब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते वहां तक की परेशानियां और उनका हल लेकर लौटूंगा दोस्तों। तो जुड़ जाना मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है आपके एक शेयर करने से आपका दोस्त पर आने वाली परेशानियों से मुकाबला कर सके और अपनी लाइफ का हीरो बन जाए सिर्फ आपके एक शेयर से। गुड बाय।